आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दोस्तों से चैटिंग करना एक तरह का एडिक्शन हो गया है। दूर रहकर भी हम अपने हर इमोशन को दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें इमोजी बहुत अहम रोल निभाता है। चैटिंग के दौरान अपनी बातों को जाहिर करने के लिए हम हंसता हुआ, गुस्से वाला, यहाँ तक कि बिना कुछ कहे सैड इमोजी भेजकर बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। इमोजी का यूज़ तो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की जान है, मगर क्या आप जानते हैं कि इमोजी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे और कब आया ये इमोजी? तो चलिए आपको बताते हैं कि इमोजी की शुरुआत कब हुई। इमोजी की शुरुआत 382 साल पहले स्लोवाकिया में हुई थी। दरअसल वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी इमोजी का इतिहास खोज निकाला है। ये सन 1635 के कानूनी दस्तावेज में बनाया गया एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये इमोजी स्लोवाकिया में एक म्यूनिसिपल अकाउंट के दस्तावेजों में मिली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक वकील ने स्लोवाकिया के स्ट्रजो माउंटेन के पास एक गांव में ये डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते वक्त अपने सिग्नेचर के साथ साथ एक गोला बनाकर बीच में दो डॉट और एक छोटी सी लाइन खींच दी थी। ये आजकल यूज़ किए जा रहे मुस्कुराते इमोजी जैसा है। इस खोज के साथ ही इस ड्राइंग को दुनिया की सबसे पुरानी इमोजी घोषित कर दिया गया है। स्लोवाकिया के नेशनल आर्काइव के हेड पीटर ब्रिंजा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये दुनिया की सबसे पुरानी इमोजी है कि नहीं, लेकिन ये ट्रेंसिन शहर की सबसे पुरानी इमोजी ज़रूर है। पहले दुनिया का सबसे पुराना स्माइली फेस 1648 इंग्लैंड में रॉबर्ट हेरिक के कविता ट्रू फॉर्च्यून में पाई गई थी। अब ये नई इमोजी इससे भी 13 साल पुरानी बताई जा रही है। ब्रिंजा का कहना है कि कानूनी दस्तावेजों में मिले इमोजी को स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन भी कहा जा रहा है, लेकिन इस इमोजी के साथ जो टेक्स्ट लिखा था उसके मुताबिक वकील को उन अकाउंट्स में कोई परेशानी नज़र नहीं आई एक हाथ में। तो यानी देखा आपने कि किस तरीके से जो इमोजी की शुरुआत है वो एक अलग तरीके से हुई। आज हम देखते हैं कि अपने ज़माने में लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को इमोजी के ज़रिए करते हैं। हमने देखा है कि लोग अपनी बातों को जो बहुत सी लंबी लाइनों में नहीं कह पाते वे छोटी सी इमोजी के ज़रिए कह पाते हैं। तो देखा आपने कि एक हाथ में सैंडविच हो या पराठा और उसके दूसरे हाथ में फ़ोन, फिर उसी फ़ोन पर व्हाट्सएप पर दोस्त का भेजा चुटकुला जब आप पढ़ते हैं तो तुरंत एक इमोजी भेज दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये इमोजी नहीं होता तो आपको कितनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती कि वाह क्या जो भेजा है, मज़ा आ गया। एक इमोजी ने आपका कितना वक्त बचा लिया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कि हालांकि मैंने आपको इसका भी इतिहास बताया, लेकिन मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि कहाँ से और कब से शुरुआत बताई जा रही है। व्हाट्सएप पर फैमिली या दोस्तों के ग्रुप में जब कोई चुटकुला आता है तो जवाब में हम भेजते हैं दुख भरी खबर में भेज देना, और कुछ अच्छा सुनने पर हम इमोजी को भेज देते हैं। इमोजी ने हमारी ज़िंदगी में जो जगह हासिल कर ली है उसकी कई बार हम कल्पना भी नहीं कर पाते। इमोजी हमारी ज़िंदगी में हल्के हल्के कुछ इसी तरह शामिल हो गई जैसे किसी अजनबी का धीरे से आपकी ज़िंदगी में परमानेंट जगह बना लेना, वो जिसके बगैर आपका काम चलना मुश्किल हो जाए। सोच कर देखिए कि अगर इमोजी ना हो तो दिन का आधे से ज़्यादा वक्त जो आप फ़ोन पर बिताते हैं वो कितना मुश्किल हो जाए। अपनी भावनाओं को लंबी लंबी लाइनों में लिखने का वक्त किसके पास है? इमोजी महज कुछ मज़ेदार आइकॉन नहीं है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल दुनिया की भाषा है, वह भाषा जो किसी भी बाधाओं को पार करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी बात आसानी से पहुंचा पाती है। सीधी सपाट लाइनों में इमोजी का एक रंग लेकर आते हैं। आप किसी दूसरी भाषा वाले को भी सिर्फ एक इमोजी भेजकर बता सकते हैं कि आपको उसकी बात अच्छी लगी। वैसे इमोजी के लोकप्रिय होने से पहले इमोटिकॉन की शुरुआत 90 के आखिरी सालों में जापान से हुई थी। मोबाइल फ़ोन पर इसका इस्तेमाल किया गया। ये इतने लोकप्रिय होते गए कि प्रेस रिलीज से लेकर कॉरपोरेट ईमेल में भी इन्हें शामिल किया जाने लगा। व्हाइट हाउस ने एक बार गंभीर आर्थिक रिपोर्ट में इमोजी का इस्तेमाल किया था। 2015 में तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल का शब्द ही घोषित कर दिया था। इसके बाद तो जैसे इमोजी सिर्फ युवाओं की संपत्ति नहीं रह गई, इस पर सबका हक हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, गांवों से लेकर शहर तक मोबाइल इस्तेमाल करने वाला हर शख्स इमोजी का दिल खोलकर इस्तेमाल करता है। जहां इमोटिकॉन को कीबोर्ड के अलग अलग निशानों को मिलाकर तैयार किया जाता था, वहीं इमोजी अपने आप में एक तस्वीर है जो कि अब आसानी से स्मार्टफोन पर आ जाती है। कहा यह भी जाता है कि इमोजी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी,
2014 में अंग्रेजी वेबसाइट द एटलांटिक में छपे एक लेख के मुताबिक 1648 की एक कविता मिली है जिसमें स्माइली का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस के पब्लिसिटी मैनेजर एडिटर लेवी स्टॉल काम के सिलसिले में रॉबर्ट हेरिक की कविताएं खंगाल रहे थे, जिसमें टू फॉर्चून नाम की एक कविता की दूसरी लाइन में उन्हें इमोजी बना हुआ दिखाई दिया। इससे ये सवाल उठने लगा कि क्या इमोजी का कारोबार 4 सदियों पुराना है। मौजूदा दौर की बात करें तो पहला इमोजी 1999 में जापान के कलाकार शिगेटाका कुरिता ने बनाया था। कुरिता जापान की मोबाइल कंपनी डोकोमो के इंटरनेट प्लेटफॉर्म को तैयार करने का काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे 176 इमोजी तैयार किए जो साधारण तरीके से जानकारी पहुंचा सके। ये इमोजी फिलहाल न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम के परमानेंट संग्रह का हिस्सा बने हुए हैं। कुरिता ने ऐसे कैरेक्टर तैयार किए थे जो मौसम का हाल जैसे बादल, धूप, छतरी, बर्फ और साथ ही साथ ट्रैफिक के बारे में भी उन्होंने कार, ट्रैम, एयरप्लेन, जहाज, तकनीक, लैंडलाइन, सेलफोन, टीवी आपको बता सके। लेकिन बात बस यहीं ख़त्म नहीं हुई, जानकारी से आगे बढ़कर बात दिल के हाल तक पहुंच गई। दिल बनाकर दिल का बयां किया जाने लगा। डोकोमो से शुरू हुए इमोजी को जल्द ही अन्य कंपनियों ने भी अपनाया। जापान से बाहर एप्पल जैसे कंपनी ने भी इमोजी को अपने मंच पर जगह देनी शुरू कर दी। 2007 में गूगल की सॉफ्टवेयर इंटरनेशनलाइज टीम ने इमोजी को यूनिकोड कॉन्सर्टियम से मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया। यूनिकोड कॉन्सर्टियम दुनिया भर के कंप्यूटरों में टेक्स्ट स्टैंडर्ड में समानता रखने का काम करता है। आप इसे कंप्यूटर की दुनिया का संयुक्त राष्ट्र भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मूलतः नंबरों को की भाषा समझता है, तो हर अक्षर या कैरेक्टर आप टाइप करते हैं उसे कंप्यूटर नंबर की भाषा में एनकोड करके समझता है। यूनिकोड के आने से पहले कई तरह के एनकोडिंग सिस्टम मौजूद थे और ज़रूरी नहीं था कि सभी कंप्यूटर टेक्स्ट या कैरेक्टर को एक ही तरह से दिखाएं। लेकिन फिर यूनिकोड आया जिसे कोड के मानवीकरण का काम किया, यानी आप जिस भाषा में अक्षर को लिखेंगे सभी प्लेटफॉर्म पर वो उसे वैसे ही दिखाएगा। इसी मानकीकरण के तहत इमोजी को भी लाए जाने के लिए कहा गया। 2010 में यूनिकोड ने इस आवेदन को स्वीकार किया, जिसके बाद हर कंप्यूटर की इमोजी तक पहुंचने होने लगी, यानी आप अगर किसी को बनाकर भेजेंगे तो उसे वो ही दिखेगा। इसके बाद इमोजी अपने आप में एक भाषा बनने लगी। इमोजी के लोकप्रिय होने के साथ ही उसकी तादाद भी बढ़ने लगी है। यूनिकोड कॉन्सर्टियम हर साल अपनी लिस्ट में नए इमोजी शामिल करता है। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत यूनिकोड को नए इमोजी भेजने का प्रस्ताव भेजा जाता है। इसमें बताया जाता है कि क्यों आपका प्रस्तावित इमोजी अपनाया जाना चाहिए और तमाम कोडिंग से होते हुए फ़ोन पर पहुंचने पर आपका इमोजी दिखाई कैसा देगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इमोजी आपको फ़ोन पर जितना आसान दिखाई देता है उसे लेकर चर्चा उतनी ही गंभीर होती है। मसलन शर्ट, टोपी या अंगूठे के विभिन्न रंगों को लेकर भी लंबी लंबी बैठक होती है। कुछ महीने पहले गूगल के बर्गर इमोजी ने सुर्खियां बटोरी थी। गूगल के बर्गर इमोजी में टिक्की के नीचे चीज़ स्लाइस थी, वहीं एप्पल के इमोजी में स्लाइस ऊपर थी। ट्विटर पर इसे लेकर बहस छिड़े कि कौन सा इमोजी सही है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इस बहस से खुद को दूर नहीं रख पाए थे। इमोजी भी आरोपों और राजनीति से बच नहीं पाई। कई देश और संस्कृति के लोगों को शिकायत है कि इमोजी में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा। इसके बाद यूनिकोड ने कुछ ऐसे इमोजी पर काम करना शुरू किया जो समाज के हर वर्ग, हर संस्कृति का ख्याल रखे, जो पुरुष महिला समलैंगिक की भावना को व्यक्त करने में काम आ सके। हालांकि शिकायतें अभी भी जारी हैं और ऐसे इमोजी को तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है जो हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करके अपना हाल दिल बयां कर सके। सवाल यह है कि इमोजी का भविष्य क्या है। ऑनलाइन रहने वाले करीब 92% लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम पर आधे से ज़्यादा पोस्ट इमोजी से भरी होती हैं। इमोजी लोल और ओ माई गॉड जैसे नेट से उपजी भाषा को ख़त्म कर रहा है। किसी और को हो ना हो, इमोजी से लफ्ज़ों के भविष्य को ज़रूर ख़तरा है। इसके अलावा इमोजी से जुड़े अब कई ऐप भी आ गए हैं जिनके ज़रिए आप अलग अलग किस्म और भाषा में अपनी बात कह सकते हैं। अन्य खोजों की तरह इमोजी भी वक्त के साथ बदल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ताकि ऐसे डिज़ाइन भाषा तैयार हो सके जो किसी एक की नहीं सबकी हो। तो ये थी इमोजी का इतिहास, जिसने पूरी लफ्ज़ों की दुनिया को बदल के रख दिया, जिसने फीलिंग्स की दुनिया को बदल कर रख दिया। आज आप रोने से लेकर हंसने तक
प्यार करने से लेकर गम तक आप इमोजी के ज़रिए बता सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सबसे बड़ी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक बार फिर लेकर आएंगे नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई खबरें। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अब देखते रहें और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 टेक के साथ। नमस्कार। We'll be right back.